आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा सीएम योगी ही कराएंगे मथुरा व काशी का पुनरुद्धार। उनकी इच्छा है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर और काशी में भगवान शिव के मंदिर का नवोत्थान शुरू हो, तभी वह वासुदेव नंद सरस्वती करे अपने शरीर का परित्याग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। 300 से अधिक फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आठवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा समस्याओं से पलायन न करने का ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ ने आदर्श किया स्थापित। समस्याओं से पलायन करने वाले खो देते हैं जन विश्वास। सनातन धर्म की महत्वपूर्ण कड़ी है गोरक्षपीठ की परम्परा। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले संगठित सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गीडा थाने के पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एक कूटरचित आधार कार्ड, फर्जी कूटरचित प्रवेश पत्र, 2 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामग्री किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर के पहले हेल्थ एजीएम सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। कहा 3 माह में प्रदेश के 4600 स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी हेल्थ एजीएम की सुविधा। 3 से 5 मिनट में ही हो जाएगी 59 जांचें। खोराबार थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त अशफाक अहमद, तनवीर खान, शमशेर आलम उर्फ गोपी व विवेक मद्देशिया की 5 मोटरसाइकिल, 1 चारपहिया वाहन को किया कुर्क। थाने में दाखिल कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। महिलाओं की सेहत के लिए ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा विपक्ष करे सहयोग। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर कानून को ना ले अपने हाथों में, तुरंत दे पुलिस को सूचना। कानून हाथ में लेने वाले नागरिकों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। और जनपद में लगातार हो रही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली निजात। जिला आपदा विशेषज्ञ ने बताया जनपद में 34 मिलीमीटर हुई है बारिश। अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में रहेगा बदलाव।